मांगें पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ। अटैक मैन के गद्दारों को गोली मारो, सालों को बंद करो, बंद करो। जहादी के नाम पर हमारा असम में जो मदरसा है वो हिम्मत विश्व शर्मा जी ने तोड़ रहा है। ट्रैक पे जाके और अपनी ड्यूटी करके कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से, और हमारे साथ बहुत ही शोषण हो रहा है। ट्रैक मैन को 10,000 संक्रमण भत्ता दिया जाए और उसका रिस्क अलाउंस बढ़ा करके 6,000 और 4,100 किया जाए। न्यू पेंशन सिस्टम है ना, हाँ, उसको बंद किया जाए। हमारी ओल्ड पेंशन है ना, उसी को लागू किया जाए। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और आज जंतर मंतर पर बहुत बहुत जबरदस्त जो है मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन प्रदर्शनों को ये बारिश नहीं रोक पाई है। हम आपको वही दिखाएंगे आज की बारिश में भी किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है। इस तरफ आप देख सकते, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बारिश में भी ये प्रदर्शन जो है वो रुका नहीं है। बंद करो, बंद करो। आप यहाँ पर देख सकते हैं बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन बारिश में भी नहीं रुका है और लगातार नारेबाजी चल रही है। रुमाल लगाकर लोग अपना जो है नारेबाजी कर रहे हैं। भैया बारिश में भी प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मुद्दा है आपका? असम में सूचित कर रहे मदरसा बंद करने के लिए, बंद करने को मदरसा गिरा रहे हैं। मदरसा, अच्छा, कौन गिरा रहा है? मोदी सरकार या मोदी सरकार? हमारे असम में हिमंत सरकार दबाही कर रहे हैं। मदरसा, हमारा जो मदरसा मुस्लिम का मदरसा जो होता है, हाँ, वो उचित कर रहा है, वो गिराया जा रहा है। अच्छा। तो बारिश में ही प्रदर्शन कर रहे हैं सर? बारिश में प्रदर्शन करना पड़ेगा। जहादी के नाम पर हमारा असम में जो मदरसा है वो हिम्मत विश्व शर्मा जी ने तोड़ रहा है, इसीलिए हम लोग असम से नेमसू के तरफ से जंतर मंतर में हिम्मत शर्मा के अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करने आया है। जंतर मंतर में हमारा जमीन, हमारा न्याय हमारा चाहिए। हम असम के भारत के नागरिकता है। हम हिम्मत विश्व शर्मा को बोलना चाहते हैं कि असम में जो मदरसा तोड़ रहा है वो बंद करिए जल्द, वरना असम बहुत ज्यादा हंगामा हो जाएगा नेमसू के तरफ से। ओके, ये प्रदर्शन था उन लोगों का जो विरोध जता रहे हैं, जो असम में मदरसों को गिराया जा रहा है आतंकवाद के नाम पर, कि यहाँ के टीचर्स जो है वो आतंकवादी समर्थक हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हम आपको एक और प्रदर्शन दिखाते हैं। हमारी मांगे पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ। हमारी मांगे पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ। एक एक साथी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं सर आप? हम आरकेटीए के तहत इसमें हमारे दबे कुचले शोषित ट्रैकमैन भाइयों को शोषण किया जाता है, इसके वजह से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेड पे और LDC ओपन टू आल, 8 घंटे आवाज, हमें अभी 12 घंटे काम लिया जाता है। अच्छा, और 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए हमारी। अच्छा, आप सभी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं? किसको बंद किया जाए? NPS को बंद किया जाए। NPS है क्या, बताइए थोड़ा। न्यू पेंशन सिस्टम है ना, हाँ, उसको बंद किया जाए। हमारी ओल्ड पेंशन है ना, उसी को लागू किया जाए। ओल्ड पेंशन ही चाहिए आपको? हाँ, यस। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं सर? राजस्थान, अजमेर से। अच्छा, कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 9 साल। 9 साल से नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट है? परमानेंट। अच्छा जी, क्या मांगे हैं? मांग ये है कि रेलवे में जितने भी कर्मचारी हैं उनको सम्मान रूप से जो प्रमोशन का चैनल दिया जाए, सभी को 4,200 ग्रेड पे दी जाए, ट्रैकमैन को 10,000 संक्रमण भत्ता दिया जाए और उसका रिस्क अलाउंस बढ़ा करके 6,000 और 4,100 किया जाए। अच्छा जी, ठीक है, चलिए आप और आगे आपको और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से छपरा लगा के, त्रिपाल लगा के लोग जो है अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आवाज दो। ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं काफी दिन से
हमारी डिमांडें चल रही हैं, रिस्क अलाउंस जो हमें नए के बराबर दे दिया गया है 2700 रुपये, और हमारी डिमांड थी पूरे 10,000 रुपये, और संक्रमण भत्ता जो हम ट्रैक में ट्रैक पे जो गंदगी में कार्य करते हैं उससे संक्रमित होने का बहुत ही डर रहता है कर्मचारियों को, ट्रैक मैनों को, और हमें संक्रमण भत्ते के रूप में 10,000 रुपये का जो अलाउंस होता है वो दिया जाए। और दूसरा, LDC ओपन टू ऑल जो ट्रैक मैन कैटेगरी को कहीं प्रमोशन के अवसर नहीं मिलते हैं, इसके लिए LDC ओपन का प्रावधान है और उसको ट्रैक मैनों के लिए, ट्रैक मैनों को शामिल नहीं किया जाता है उसमें, तो ट्रैक मैनों को उसमें बिठाया जाए, बैठने का अवसर दिया जाए। और ट्रैक मैन पे ट्रैक पे जितनी भी आज से 60 साल पुरानी जो अंग्रेज़ों की जो चीज़ें चली आ रही थी वो आज भी चली आ रही हैं, और हमें ट्रैक पे जाके और अपनी ड्यूटी करके कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से, और हमारे साथ बहुत ही शोषण हो रहा है, और इन शोषणों को हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो ट्रैक मैन के साथ शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए, और ट्रैक मैनों का अपना हक जो है वो दिया जाए, और पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई है, जो एक परिवार पालन का वो बड़ा स्रोत था उसको बंद कर दिया गया है सरकार ने, वो दोबारा से लागू किया जाए। वो किया अच्छा, बारिश हो रही है, बारिश में तो घर जा सकते थे, लेकिन अब भी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, जाइए घर, रेस्ट कीजिए। हम रात दिन बारिश और तपती धूप और सर्दी में ही कार्य करते हैं, ट्रैकमैन का कार्य ही ये है मौसम के विपरीत रह के लाइन पे कार्य करें और अपनी रेल को सुरक्षित और समय पे पहुंचाएं, और अपने सभी जो यात्रीगण हैं उनको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाएं, और हम इसी बारिश में और सर्दी में और तपती धूप में हमेशा कार्य करते हैं, तो ये बारिश हमें कोई ज़्यादा नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सब ठीक है। अच्छा, देखिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये है, वो त्रिपाल लगाकर प्रदर्शन लगातार जारी है, करीब 250-250 लोग इस वक्त यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं, और ये मंच लगा हुआ था, और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी तक बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, लेकिन इनका जोश ये बारिश जो है वो ठंडा नहीं कर पाई है। छोड़िए इसको, छोड़िए। सर क्या क्या मांगे लेके आए हैं? सर भारतीय रेल के सबसे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी, दबे कुचले कर्मचारी, एक ट्रैक मेंटेनर है जिसका एसोसिएशन है RKTA, रेल कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के माध्यम से जंतर मंतर पर जो हमारी आवाजें न किसी यूनियन वाले के पास पहुंचता है, न फेडरेशन वाले कोई समस्या को सोल्व करता है, हम लोग अपने एसोसिएशन के बैनर तले अपनी समस्याओं को रखने आए हैं, कि या हमारी समस्या एक नहीं है, अनेक है। के क्या परेशानी है, एक एक करके गिनवाई है मुझे। सबसे पहले तो हमारा हार्ड ड्यूटी रिक्स अनाउंसमेंट जो है के जो 2700 रुपया मिल रहा है के उसको हम लोग 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। सारी बातें सुनी जहां पर बारिश हो रही है जंतर मंतर पर, जो बहुत ही मूसलाधार बारिश है, लेकिन यहां पर इन लोगों का जो है वो उत्साह और जो है जोश वो ठंडा नहीं हुआ है इस बारिश के कारण भी। जंतर मंतर को मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि जंतर मंतर इस देश का आईना है, इस देश में जो कुछ हो रहा है वो जंतर मंतर पर दिखाई देता है, और जो भी सरकार जंतर मंतर पर उठी आवाज को नजरअंदाज करती आई है उस सरकार को जाना पड़ा है। आपको UPA 2 की सरकार याद है, जंतर मंतर में इतने बड़े आंदोलन हुए, लामलीला मैदान पर आंदोलन हुए, और उस सरकार को जाना पड़ा। उस आंदोलन को कोई भी विचारधारा सपोर्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि देश में आंदोलन होने बहुत जरूरी है। जब तक इस देश में आंदोलन हो रहे हैं तब तक आपकी बातें आपकी सरकार सुनती रहेगी, और हम भी बारिश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको पूरी इस रिपोर्ट पर। आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।